हेलो एवरीवन। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। ये तुम्हारे एग्जामिनेशन में 100% गारंटेड है कि पेपर में यहाँ से पूछा जाएगा। तो एक एक करके मैं सारे क्वेश्चंस और आंसर्स तुमको समझाने जा रहा हूँ। और हाँ, ये सब सारे जो क्वेश्चंस है, ये सब सारे या तो शॉर्ट में आएगा या तो लॉन्ग में आएगा, यानी कि या तो 3 मार्क्स में आएगा या तो 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं लिए हुए हैं और ना ही MCQ लिया हुआ है। उनकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं MCQs की, अगर तुम्हें देखना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। चलो एक एक करके मैं तुम्हें सारे क्वेश्चंस और आंसर समझाता हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमॉन्ग द फ्रेंच पीपल। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, इन्होंने कौन से स्टेप्स लेते हैं जिससे कि फ्रेंच के लोगों में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट हो पाती है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने कौन कौन से स्टेप्स लिए, इसका मैं तुमको आंसर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहला स्टेप जो लिया गया, यहाँ पे दिया गया है कि द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज चूज द फ्रेंच ट्राई कलर एज द न्यू फ्लैग रिप्लेसिंग द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले एक रॉयल स्टैंडर्ड टाइप का एक फ्लैग चलता था, इसको हटा दिया गया एंड इसके जगह पे एक ट्राई कलर का एक नया फ्रेंच फ्लैग लाया गया। दूसरा कि सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया जिससे कि सभी लोगों के लिए एक समान कानून व्यवस्था बनाई गई। थर्ड है कि फ्रेंच को नेशनल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया। एक नया स्टेट जनरल्स भी इलेक्ट किया गया एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा एंड उसका नाम रखा गया नेशनल असेंबली। आइडियाज़ ऑफ ले पेट्री एंड ली सिटोयन लाया गया। नए नए भजन लिखे गए, शपथ लिया गया और शहीदों को याद भी किया गया। यूनिवर्सल वेट एंड मेजर्स भी लाया गया, यानी कि भार या फिर मापने की एक समान व्यवस्था भी लाई गई। तो ये सब कुछ मेजर स्टेप्स थे जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज ने लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, हु वेयर मारियान एंड जर्मेनिया। मारियान और जर्मेनिया ये कौन थे एंड व्हाट वाज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वे इन विच दे वेयर पोर्ट्रेट। और इसकी क्या इम्पोर्टेंस थी, इसको चित्रित करने का क्या इम्पोर्टेंस था। तो पहले समझो मारियान और जर्मेनिया था कौन। तो मारियान और जर्मेनिया एक फीमेल सिम्बॉल्स था, ठीक है, फ्रेंच और जर्मन नेशन का ये एक फीमेल सिम्बॉल था। दे स्टूड एज पर्सनिफिकेशन ऑफ आइडियल्स लाइक लिबर्टी एंड द रिपब्लिक। तो जो ये फीमेल सिम्बॉल था, ये क्या दिखा रहा था, ये लिबर्टी और रिपब्लिक को दिखा रहा था। अच्छा, इसकी इम्पॉर्टेंस क्या थी, तो द इम्पॉर्टेंस ऑफ हाउ दे वेयर पोर्ट्रेट ले इन द फैक्ट दैट द पब्लिक कुड आइडेंटिफाई देयर सिम्बॉलिक मीनिंग एंड दिस वुड इंस्टिल अ सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी इन दैम। मतलब लोगों में नेशनल यूनिटी की भावना आए, इस वजह से इसको एक देश को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फीमेल सिंबल के रूप में बनाया गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, ब्रीफली ट्रेस द प्रोसेस ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। मतलब कि जर्मनी की जो यूनिफिकेशन थी, उसके प्रोसेस को तुमको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। जर्मनी की यूनिफिकेशन कैसे हुई, तो जर्मनी की यूनिफिकेशन के लिए सबसे पहले जो ईयर याद रखना हो, 1848। इस समय क्या हुआ था, तो द मिडिल क्लास जर्मन्स यूनाइटेड टू क्रिएट अ नेशन स्टेट। जो मिडिल क्लास जर्मन के जो मिडिल क्लास लोग थे, तो वो नेशन स्टेट बनाना चाहते थे, बट द मोनार्की एंड मिलिट्री रिप्रेस द मूवमेंट। लेकिन जो ये लोग मूवमेंट चला रहे थे, जर्मन के जो मिडिल क्लास के लोग थे, तो मोनार्की और जो मिलिट्री थी, इस मूवमेंट को दबा देती है। बाद में क्या होता है कि प्रूसिया इस जर्मनी को यूनाइट करने का लीडरशिप करता है, ठीक है। वही यहाँ पे दिया गया है, प्रूशिया टुक ओवर द यूनिफिकेशन मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेसी। प्रूशियन आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से प्रूशिया लीड करता है कि ये जर्मनी को यूनिफाई किया जाए। इसके बाद तुमको ये नाम याद रखना है, ऑटो वन बिस्मार्क। ये कौन था, तो ये प्रूशिया के चीफ मिनिस्टर थे। तो ये इस मूवमेंट को आगे लेकर जाते हैं। इसके बाद जो प्रूशिया होती है, वो 7 सालों में लगभग 3 वॉर्स लड़ती है ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ। इसमें प्रूशिया जीत जाता है। तो फाइनली 1871 में द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम्ड। जो 1871 में जर्मनी का यूनिफिकेशन मतलब ऑफिशियली घोषित कर दिया जाता है, जिसका राजा बनाया जाता है किंग विलियम 1 को, ठीक है। अच्छा, ये आयोजन कहाँ होता है, तो फ्रांस के वर्सलीज नामक एक महल में। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस। नेपोलियन ने कौन कौन से चेंजेस शुरू किए टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर इफिशियंट, जिससे जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है और भी ज़्यादा इफिशियंट रहे। तो
ठीक है, तो नेपोलियन में कौन कौन से चेंजेस लाए ये तुमको बताने हैं। तो नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस लाए, जिसमें से सबसे बड़ा चेंज तो ये था कि जो नेपोलियन थे इन्होंने एक सिविल कोड लाया 1804 में, जिसको हम नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं। इसके बाद जो जन के आधार पे लोगों को प्रिविलेजेस मिलता था, इसको भी ख़त्म कर दिया गया। कानून हर किसी के लिए एक समान होगा, तो ये भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया, ठीक है, एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। दूसरा कि फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया, एंड पीजेंट्स को भी फ्री कर दिया गया सर्फडॉम से। टाउन्स में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म किया गया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आने जाने पे जो रिस्ट्रिक्शन थी इसको ख़त्म किया गया, एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाई डिड नेशनलिस्ट टेंशंस इमर्ज इन द बाल्कन्स। बाल्कन्स में नेशनलिस्ट टेंशन क्यों इमर्ज हो रहा था, मतलब वहाँ पे टेंशन को बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ रहा था। तो इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस थे, जैसे पहला है डिस इंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन अम्पायर, मतलब ऑटोमन अम्पायर बाल्कन रीजन पे कब्जा करके रखा हुआ था, तो वो धीरे धीरे उसका हाथ से जाने लगना, यही चीज़ ये पहला रीज़न तुम्हारा यहाँ से हो सकता है। दूसरा है कि रोमांटिक नेशनलिज्म फैलना, ठीक है, ये दूसरा रीज़न है जो कि स्टार्ट हुआ था 1848 में। अगला एक रीज़न ये भी है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए संघर्ष करना। अगला है इम्पेरियल पावर। देखो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि कुछ इंपेरियल पावर्स जैसे कि रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रो हंगरी, ये सभी कोई चाहते थे कि वो बाल्कन्स के ऊपर कब्जा करे। ये सब लोग आपस में लड़ रहे थे बाल्कन के ऊपर कब्जा करने के लिए। एंड एक सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि बाल्कन्स में जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग थे ना, वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलसी फील करते थे। अलग अलग कम्युनिटीज़ के बाल्कन्स में लोग रहा करते थे, जिनको हम स्लैब्स भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, स्लैब्स। बहुत टाइप के कम्युनिटी के लोग थे। अब मैं यहाँ सारा का नाम लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कम से कम 12-15 वो है, तो उतना का नाम याद मत रखना, बस याद रखना कि उन सभी कम्युनिटी को क्या कहा गया है, स्लैब्स। तो जो डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग बाल्कन्स में रहते थे, तो वो एक दूसरे से जेलसी फील भी करते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी वजह से बाल्कन्स में तनाव की स्थिति बढ़ रही थी। तो यहाँ पे मैंने तुमको जितना भी क्वेश्चंस करवाया हुआ है, देखो 5 क्वेश्चंस करवाए हैं मैंने, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तुमको नहीं करवाया है, ठीक है। ये मैंने तुमको वो टॉप के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि तुम्हारी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, ये लॉन्ग और शॉर्ट में आएगा। बाकी जैसे कि मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिव में और MCQ में अगर तुमको उसकी वीडियो चाहिए होगी, क्वेश्चन देखने होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना।